इस क्वेश्चन में इफ ए इज अ 3x3 मैट्रिक्स सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ 5 एडजॉइंट ए इक्वल्स टू 5 देन डिटरमिनेंट ऑफ ए पूछा है कितना होगा, ठीक है। तो पहले सबसे पहले मुझे दिया हुआ है 5 डिटरमिनेंट ऑफ 5 इंटू एडजॉइंट ए, इसकी वैल्यू दे रखी है हमको 5। देखो अब देखो ऐसा हमको दिया हुआ है 5 इंटू एडजॉइंट ए। अब 5 टाइम्स एडजॉइंट ए का मतलब है कि 5 इसके तीनों रो से मल्टीप्लाई हुआ होगा, ठीक है। अब मैं 5 कॉमन लूंगा बाहर तो 3 बार बाहर आना पड़ेगा क्योंकि 5 जो है इसकी 3 रो से मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो 5 पहले रो से बाहर लिया, 5 दूसरी रो से बाहर लिया और 5 तीसरी रो से बाहर लिया इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो ऐसे कितना आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 1/25 क्योंकि मैंने ये इधर ले आऊँगा तो कितना बच जाएगा 1/25 नीचे बच जाएगा। अब मुझे पता है सिंस डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन, जहाँ पे एन क्या है उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो एन क्या दिया हमें 3 दिया हुआ है, तभी मैंने 3 5 निकाले थे क्योंकि 3 बार रो से मल्टीप्लाई हुआ होगा अंदर, 5 या 5 इंटू एडजॉइंट ए दिया था तो एन की वैल्यू 3। तो ये कितना जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू 1/25, जहाँ पे एन की वैल्यू 3, तो 3 होगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 2 इज इक्वल टू 1/25। अब ए स्क्वायर 1/25 है तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 1/5, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू प्लस माइनस 1/5। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू प्लस माइनस 1/5। तो कौन सा ऑप्शन है ये ऑप्शन ए, तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन।